चालू है क्या? चालू है। नमस्कार बच्चों, जय हिंद। मैं आपका अपना रुद्रेश राघव। पहले बच्चों, इंडियन एयरफोर्स के रिजल्ट को लेकर के बहुत ज्यादा बेकरारी है, और बेकरारी हो भी क्यों ना, क्योंकि हमने एक लंबे समय तक बहुत ही अच्छे तरीके से दिल लगा करके तैयारी करी थी, और अब हमारा, क्योंकि जो समय है हमारा वो ऐसा है कि इस समय पे इंडियन एयरफोर्स का रिजल्ट जारी हो जाना चाहिए था। और वैसे भी बहुत बड़े हमारे जो यूट्यूबर्स हैं वो आपको वैसे भी प्रॉमिस कर चुके थे कि भाई इतने बजे इतने तारीख को आपका रिजल्ट आएगा। खैर, रिजल्ट के विषय में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बेटा कई सारी चीजें बता दूं, जिसमें कि इंडियन एयरफोर्स का पैटर्न जो है, जैसे कि रिजल्ट जो अपना है, अपना जो एग्जाम होता है, क्या बच्चों, एग्जाम के 20 से 25 दिन बाद आता है। मैं शुरू से ही आपको यही बात कह रहा हूं, मैंने कोई डेट फिक्स ना करनी है, ना कर सकता हूं इस विषय में, ठीक है। 20 से 25 दिन के बाद आता है। अब बात है कि फेज टू, बच्चों क्या फेज टू कब से कब तक, कब से कब तक होगा, कब से कब तक या कितना टाइम मिलेगा, भाई ये भी तो हमें पता होना चाहिए। हम फेज टू के रिजल्ट, फेज टू के लिए रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमको यह भी तो पता होना चाहिए हमको टाइम कितना मिलेगा, क्योंकि आपको पता है डेट, बहुत सी डेटें फिक्स कर रखी हैं कि ग्रुप डिस्कशन कब से शुरू होगा और कब चलेगा, क्या होगा, रिजल्ट की भी डेट फिक्स कर रखी है हमारे जैसे यूट्यूबर भाइयों ने। लेकिन मैं आपको बेटा वो बता रहा हूं अपनी जिंदगी के साथ जो अनुभव लेके चल रहे हैं हम, लगातार पिछले 10 वर्षों से लगातार इंडियन एयरफोर्स की बच्चों को तैयारी करा रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स की सबसे बड़ी खूबसूरती है, जैसे ही आपका एग्जाम हुआ उसके सही 20 से 25 दिन के बाद आपका रिजल्ट आ जाता है, यानी कि टाइम ड्यूरेशन तो हमारा पूरा हो गया। अब रिजल्ट जो है कब आएगा, कैसे आएगा, इस विषय में आप बिल्कुल सोच सकते हैं। आज आपका दिन हो गया बृहस्पतिवार और शुक्रवार, शुक्रवार तक रिजल्ट आ गया तो ठीक है, नहीं तो आपको भी पता है शनिवार और इतवार, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं बेटा, सैटरडे एंड संडे को इंडियन एयरफोर्स और नेवी का कभी भी कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं होता है, यानी कि वर्किंग आवर्स नहीं होते हैं आपके। वर्किंग आवर्स का मतलब है हमारा ऑफिशियल कोई भी जानकारी वो कभी अपडेट नहीं देते सैटरडे और संडे को, ठीक है। तो आपका जो रिजल्ट है अगर कल तक आ गया फ्राइडे तक तो ठीक है, नहीं तो आप फिर थोड़ा सा इंतजार करिए, क्योंकि शनिवार और रविवार, फिर दिवाली है, इसका मतलब आपको दिवाली घर मनाने का मौका इंडियन एयरफोर्स दे रही है, दिवाली घर पे अच्छे से मनाइए और उसके साथ में फिर आप तैयार रहिए, अगले दिन, अगले 1 से 2 दिन में फिर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन ये जो तारीख तय करने वाली बात है, ये लड़कों को बहुत बड़े किसी ना किसी एक जाल में डाल सकती है। मैं आपको बता दूं बेटा 2022 में, ठीक है, सन 2022 में इसी प्रकार से लोगों ने अपने आंकड़े दिए थे कि आपका ग्रुप डिस्कशन तब से स्टार्ट होगा, लेकिन 2022 में जब अग्निवीर की स्कीम, जो पथ, ये अग्निवीर पथ स्कीम शुरू हुई थी, लोगों ने कहा कि इतने तारीख से आपका फेज टू शुरू होगा, लेकिन उस समय पे रिजल्ट आया, रिजल्ट आया जैसे ही, ठीक है बच्चों, समझना इस बात को, मैं इस बात को समझाना और समझाना बहुत जरूरी है आपको, क्योंकि तैयार रहना है। जैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ सही 7 दिन के बाद, 7 दिन के बाद, ठीक है बच्चों, शुरू हो गया फेज टू, शुरू फेज टू। अब मुझे यह बताओ, जबकि लोगों ने यहां पे वायदे क्या कर रखे थे, लड़कों को बता रखा था कि 1 माह का टाइम है आपके पास में, 1 मंथ का टाइम है, फेज टू यानी कि रिजल्ट के 1 महीने बाद आपका फेज टू स्टार्ट होगा, लोगों ने यह बता रखा था। लेकिन इंडियन एयरफोर्स पिछले 8 सालों से लगातार, क्योंकि मैं 8-9 साल से एयरफोर्स के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, पिछले 8-9 साल से ऐसा कभी कभार होता है, खास करके अप्रैल के महीने में ऐसा हुआ करता था कि जब आपको 1 महीने का टाइम देती थी कि आप फेज टू की तैयारी कर सकते हैं, नहीं तो सदैव इंडियन एयरफोर्स की तरफ से मुश्किल 15 दिन का समय मिलता था फेज टू की तैयारी करने का, जीडी की तैयारी करने का, जीडी की तैयारी करने का मात्र कितने दिन, 15 दिन मिला करते थे। वो बात अलग है कि इंडियन एयरफोर्स कई बार बीच में 1 महीने 1.5 महीने का समय देती है, 1.5 महीने से समय ज्यादा कभी आज तक इंडियन एयरफोर्स ने नहीं दिया फेज टू की तैयारी करने का। अब यहां पर बात यह है कि फेज टू की जो हमारी तैयारी है फेज टू की, अब हमको तो टाइम सभी लोग बता रहे हैं कि भाई 1.5 महीने का समय मिलेगा, यानी कि लोग कह रहे हैं कि 45 डेज आपको कम से कम मिलेंगे या फिर 60 डेज मिलेंगे,
ठीक है भाई, लोगों की बातों पे ना जाओ बेटा, लोगों की बातों पे ना जाओ। आपका जैसे ही रिजल्ट आए, ठीक है, मैं तो ये कहता हूं रिजल्ट आए ना आए वो बाद की बात है, फिलहाल हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, हमारा जो फेज टू है, क्योंकि फेज टू में सबसे जो मुख्य भूमिका है, जहां तक मैं मानता हूं, पहली प्रायोरिटी मैं मानता हूं बच्चों फिजिकल को, ठीक है, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ग्रुप डिस्कशन बहुत बड़ी चीज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ग्रुप डिस्कशन को तो बच्चा 7 डेज के अंदर अंदर, मैं तो 7 डेज में बच्चे को ऐसा कर देता हूं कि 7 दिन में बच्चे को समझ में आ जाता है कि हाँ भाई ग्रुप डिस्कशन कुछ नहीं है, 7 दिन में आसानी से वो ग्रुप डिस्कशन को निकाल लेता है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा कुछ है नहीं, ना कभी टॉपिक रटवाने की जरूरत पड़ती है ना कुछ, सिर्फ और सिर्फ जरूरत पड़ती है तो बच्चे को ये समझाने की कि टॉपिक इतने प्रकार के होते हैं, यानी कि जैसे कि नेशनल लेवल का हो गया, सोशल इश्यूज हो गए, या फिर आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हो गया, आपके 4 से 5 इस प्रकार से हमारे टॉपिक होते हैं, उन 4 से 5 टॉपिकों के बारे में बताना अपने को होता है कि इस तरीके का टॉपिक आएगा तो हमको कहां से कैसे रिलेट करना होता है। अब 7 डेज में बच्चा ग्रुप डिस्कशन के लिए तो तैयार हो जाएगा, लेकिन ये फिजिकल में अपने पास में पिछली बार कितने लड़के थे, 46 में से कितने पास हुए, 41 लड़के, कितने हुए फेल, 5 में से सौरभ गुज्जर था अपना बुलंदशहर से, सौरभ गुज्जर जो अपना लड़का था बुलंदशहर से, वो कहां फेल हुआ था, वो हुआ था स्क्वाड्स में, जबकि स्क्वाड्स वो सही लगाए उसने, पूरे लगाए, लेकिन फिर भी 20 के 20 स्क्वाड्स लगाने के बाद निकल गया। अब आप बताइए जो बंदा फेज टू के लिए पूरी तैयारी में है फिर भी वो स्क्वाड्स में निकल गया, और जबकि ग्रुप डिस्कशन के लिए बहुत अच्छे से उसको तैयार किया हुआ था। 2 लड़के ऐसे थे जिनमें वजन कम था, 1 लड़का ऐसा था उसमें ओवरवेट था, तो तुम मुझे ये बताओ ग्रुप डिस्कशन में तो कोई लड़का फेल ही नहीं हो रहा है, फेल का हो रहा है फिजिकल में हो रहा है लड़का अपने यहां, तो ऐसा नहीं है कि अपने ट्रेनर मेहनत नहीं करते, भाई फिजिकल में ट्रेनर कितनी मेहनत करेगा, असली जोर तुम्हें लगाना है, आपको जोर लगाना है फिजिकल में। तो मेरा तो मानना यह है कि अभी रिजल्ट का इंतजार तो खैर बनता ही है, लेकिन रिजल्ट का इंतजार ना करके फेज टू की तैयारी घर पे जो रनिंग है अपनी, ठीक है बच्चों, रनिंग में आपको 3000 मीटर, कितना बच्चों 3000 मीटर आपको घर पे दौड़ना चाहिए इस समय, 3000 मीटर, ठीक है, यानी 3 किलोमीटर की दौड़ आपकी कम से कम होनी चाहिए 3 किलोमीटर की, और इस समय स्क्वाड्स, भाई स्क्वाड्स कम से कम आप 30 स्क्वाड्स घर पे लगा के चलो, तब वहां पे 20 लगाओगे बच्चों। अगर पुशअप्स की बात करें, ठीक है, पुशअप्स की बात करें बच्चों, तो कम से कम आप यहां पर 25 से 30 यहां पे पुशअप लगाओ घर पे, ठीक है, और सिटअप लगाओ बेटा, सिटअप लगाओ जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके सिटअप लगाओ, सबसे ज्यादा जो लड़का निकल रहा है आपका वो स्क्वाट्स में पुशअप में और रनिंग में निकल रहा है, सिटअप्स लगाओ कम से कम 40 40, अपने आप को फिजिकली इतना मेंटेन कर लो, इतना मजबूत कर लो फिजिकली कि जब आप एकेडमी में या कहीं भी फेज टू की तैयारी करें तो आप फिजिकल की तरफ से बेनिश्चिंत रहें, क्योंकि हमारे मानसिक रूप से एक ही दबाव होना चाहिए, दबाव हर तरीके से नहीं होना चाहिए हमारे ऊपर, ये नहीं होना चाहिए कि यार रेस कैसे लगाऊंगा, स्क्वाड्स कैसे लगाऊंगा, अगर मानो 15 दिन बाद ही आपका फेज टू स्टार्ट हो गया तो कैसे करोगे। तो इस वजह से आपको अभी से अपने आप को बिल्कुल फिजिकली एंड मेंटली अपने आप को फिट रखना आपका इस समय कर्तव्य है। रिजल्ट की तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आज आ जाओ, अब आ जाओ, कल आ जाओ, ठीक है, नहीं तो दीपावली के बाद ही आएगा, ये तुम भी समझते हो। तो यहां पे आपको फिजिकली मजबूत रहने की जरूरत है। जिन लड़कों को जरा सा भी लगता है कि मैं पास हो जाऊंगा, मेरिट की बात करें तो मेरिट बहुत हाई जानी नहीं है, ठीक है, मेरिट की बात करें तो मेरिट जो है आपकी बहुत ज्यादा जानी नहीं है, ये आपको भी पता है, सभी यूट्यूबर्स ठीक बता रहे हैं, मेरिट तो वही रहनी है 28 30 के आसपास, क्योंकि ना ही तो इतना सारा बच्चा अप्लाई करता है फॉर्म इसमें एयरफोर्स में, और ना ही उनके पास में इतने सारे रिसोर्सेस हैं जो कि वो कहीं से बच्चों को, मतलब एक्स्ट्रा बच्चों को कैसे पास कर लें, तो इसमें मेरिट तो डाउन जानी लाजमी है, क्योंकि बच्चे उनको जितने चाहिए वैकेंसी बहुत है, और वैसे भी आपको पता हो इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी तीनों में बहुत सारी वैकेंसी हैं जिनको फिल करना बहुत तेजी से सरकार चाहती भी है, तो आप मेरिट की चिंता ना करें, मेरिट तो दोनों में डाउन जाएगी, एयरफोर्स में लड़कियों की, लड़कों की, एक्स की, वाई की, सबकी डाउन ही जाएगी, कहीं ज्यादा नहीं जाएगी। अब जरूरत है तो अपने आप को फिजिकली मजबूत रखने की जरूरत है, क्योंकि फिजिकल में मजबूती आपको मेंटली स्ट्रांग रखेगी जब आप फेज टू की तैयारी करेंगे। ग्रुप डिस्कशन में सबसे बड़ी बात यह भी हो सकती है कि गुरु जी ग्रुप डिस्कशन ऑनलाइन तैयारी कर लूं, बेटा ऑनलाइन तैयारी करके भी लड़के हालांकि पास हो जाते हैं,
ठीक है, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा थोड़ा सा लालच मन में मत करो, क्योंकि पूरी लाइफ का सवाल होता है। ऑनलाइन व ऑफलाइन में ये फर्क होता है, ऑनलाइन में आप उतने अच्छे तरीके से अपनी प्रैक्टिस नहीं कर पाते, फेस नहीं कर पाते लोगों को, ऑफलाइन में आप लोगों को फेस कर पाते हैं और इजी वे में आप सफल भी हो जाते हैं। ठीक है, बाकी आप इस समय अपनी तैयारी फिजिकल की कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इस विषय में नीचे कॉमेंट में जरूर बताएं और अपने विचार भी दें कि आप फेज 2 के लिए तैयार हैं या नहीं है। थैंक यू।